Next question. Question says two waves are represented by the equation y1 is equal to a sine omega t plus kx plus uh, 0.57 meter, and y2 is equal to a cos uh, omega t plus kx uh, in meter. और हमें दिया हुआ है एक्स मीटर में टी या आपका सेकेंड में है सवाल ये फेज डिफरेंस बिटवीन दैम क्या होएगा ऑप्शन अगर आप नोटिस करें तो चारों ऑप्शन आपको रेडियन में दिए हुए हैं वन रेडियन वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट सेवन फाइव या फिर वन पॉइंट फाइव सेवन बहुत सिंपल सवाल है बट थोड़ा सा यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन अपने को करना पड़ेगा सवाल जो है इक्वेशन अपने को जो दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वाई वन इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस के एक्स और उसके बाद दिया है प्लस पॉइंट फाइव सेवन ये आपको इक्वेशन uh, दी है दूसरी इक्वेशन है वाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स नाउ हमें दोनों का फेज़ डिफरेंस बताना है फेज़ डिफरेंस का मतलब ये कि ये इसका फेज़ ये इसका फेज़ दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये इन दोनों को माइनस कर देते हैं और पॉइंट फाइव सेवन आंसर बता देते हैं वो सही आंसर नहीं होएगा रीज़न क्या है जब आप इन दोनों का फेज डिफरेंस देखेंगे तो दोनों को सेम फॉर्मेट में होना होएगा प्रेफरेबली हम दोनों को साइन में चाहते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना होएगा तो वाई टू की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू ये आपकी ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी और एक चीज़ अपने को और पता है अगर पाई बाय टू को हम रेडियन में लिखेंगे तो ये आएगा 1.57 बिकॉज आपका पाई होता है 3.14 उसका हाफ करेंगे 1.57 अब जब इसको और इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा टी और के एक्स तो कैंसिल हो जाएगा जो डिफरेंस बचेगा वो होएगा इनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव जिसको कहते हैं वो होएगा 1.57 पॉइंट फाइव सेवन माइनस जीरो पॉइंट फाइव सेवन ओमेगाटी और के एक्स सेम है कैंसिल हो गए सो तो इसकी वैल्यू आएगी वन रेडियन हालांकि सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका वन रेडियन ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर